आहार और विश्राम हम तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक हनुमान अपने साथ गंगा मैया को लेकर नहीं लौटता। हमारा व्रत इसी प्रकार चलता रहेगा। ऋषिवर मुझे आज्ञा दे। प्रणाम। कल्याण हो, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो। शांत चेत लहरे मन मानी वेग प्रबल और निर्मल पानी पथ प्रदर्शक जिसके बजरंग विपदा उसकी होए स्वयं भंग तीव्र प्रवाह से चली सरिता जीवन रक्षा कभी करता गंगा माई छोड़ के तीरा हनुमत संग संग बहे सुमेरा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। मेरी भूल के कारण हनुमान इतने बड़े संकट में पड़ गया। उसे ऋषिवर की पूजा में भाग लेने से रोका क्यों नहीं मैं? हे शिव शंकर, हे कृपा निधान, ऋषि अंगिरस के प्राण ब्रह्म हत्या के घोर पाप से संपूर्ण कुल की सुरक्षा हनुमान की सफलता पर निर्भर है, उस पर कृपा कीजिए प्रभु। मेरा लाल गंगा मैया को लेकर सकुशल यहां लौट आए। ये क्या, ये सारे गज समूह तो गंगा मैया के मार्ग में है। मुझे शीघ्र ही इन्हें यहाँ से हटाना होगा। हे गजराज, गंगा मैया की प्रचंड धारा इसी ओर आ रही है, उनसे आपको क्षति पहुंच सकती है। कृपया यहाँ से हट जाइए। देखिए कितने स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध है आपके लिए। फल पत्ते धूप सब है उधर, जाइए ना। चिंता मत करो प्रिय,
हनुमान अवश्य सफल होगा। भगवान भोलेनाथ उसकी सहायता अवश्य करेंगे। हाँ स्वामी, हनुमान की मां ने भी यह निश्चय लिया है। अपने पुत्र की रक्षा के लिए मैं अपनी अंतिम श्वास तक महादेव की पूजा करूंगी। उन्हें मेरे पुत्र हनुमान की सहायता करनी ही होगी। जातम् प्रपद्यामि सत्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः। ये क्या, ये पर्वत भी गंगा मैया के मार्ग में है। इनसे टकराकर गंगा मैया जिस भी दिशा को चुनेंगी वहाँ के सारे प्राणी को प्रभावित हो जाएंगे। मुझे शीघ्र ही कुछ उपाय करना होगा। यदि मेरे वेग से किसी एक जीव को भी क्षति पहुँची तो मैं पुनः शीघ्र लौट जाऊंगी। नमस्तेस्तु रुद्र रूपेभ्यः। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हमारा अहोभाग्य जो हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए त्रिदेव। आप सबके दिव्य दर्शन प्राप्त कर हमारा जीवन धन्य हो गया। अपना आनंद व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है हमारे पास। हमारा जीवन सफल हो, हम कृतार्थ हो। देवी अंजना, आप कब तक इस प्रकार हनुमान के लिए चिंतित होकर प्रार्थना करती रहेंगी? हे देवेश्वर, एक माँ का हृदय तो सदैव अपने पुत्र के लिए व्याकुल ही रहता है। अपने पुत्र के लिए प्रार्थना करना तो माँ का स्वभाव होता है, उसका त्याग वो कैसे कर सकती? परंतु देवी अंजना, हनुमान कोई साधारण बालक नहीं है, एक विशेष उद्देश्य के लिए उसका जन्म हुआ है। सृष्टि की धर्म रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान नारायण का सहायक बनना
उसके जीवन का उद्देश्य है। माता पिता के रूप में आपने हनुमान को उत्तम संस्कार दिए, उन संस्कारों के साथ देवताओं और हम त्रिदेवों से प्राप्त हुए शक्तियों ने हनुमान के व्यक्तित्व को पूर्ण बना दिया है। परंतु अब वो समय आ गया जब आप दोनों को हनुमान के जीवन से पृथक होना होगा। हनुमान के जीवन में अब आपकी भूमिका समाप्त हुई। अब जीवन के अन्य पड़ाव उसे स्वयं तय करने। महादेव, ये कैसे हो सकता है? एक माँ अपने पुत्र से दूर कैसे जा सकती है? इतनी कड़ी परीक्षा ना ले हमारी प्रभु, ये हमारे लिए असंभव है। देवी माता, आप तो संसार के चराचर प्राणियों की माँ है। माँ की ममता, संतान से बिच्छों की पीड़ा आप सब भी भली भांति समझ सकती है। आप बताइए ना प्रभु को, एक माँ अपने पुत्र के बिना जीवित नहीं रह सकेगी। देवी अंजना सत्य कह रही है स्वामी, मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक है पुत्र के लिए मां का विक्षोभ। सत्य है, पुत्र को मां से विलग करने का अर्थ है आत्मा को देह से विलग करना। किंतु माता पिता के पुत्र मोह के ये बंधन हनुमान के देव कार्य में बाधक बने। जिस राम काज के लिए हनुमान का जन्म हुआ है वो तभी पूर्ण हो पाएगा जब हनुमान समस्त मोह के बंधन से परे हो जाए। मेरे राम अवतार का उद्देश्य हनुमान के बिना अपूर्ण रह जाएगा। हनुमान से ही होगी राम की पूर्णता। किंतु स्वामी, हनुमान तो संबंधों के बंधन से मुक्त हुए बिना भी ये कार्य कर सकता है। आज तक किसी भी कार्य में उसके माता पिता का मोह बाधक नहीं बना। तथ्य तो ये है, आज तक उसने पूर्ण क्षमता और अधिक श्रेष्ठता के साथ सभी कार्यों को संपन्न किए।
अभी तक के किए हुए कार्य हनुमान के जीवन का लक्ष्य नहीं थे। ये तो मात्र एक दिशा थी, हनुमान के जीवन का लक्ष्य तो बहुत विशाल है, जिसे पूर्ण करने के लिए उसे अपने माता पिता से विलग होना ही होगा। क्योंकि यही नियति द्वारा निर्धारित किया गया है। किंतु प्रभु, उस मां के हृदय का क्या जो केवल अपने पुत्र के लिए स्पंदित होता है? देवी अंजना तो स्वर्ग की वासी थी ही, ये पूर्व काल में स्वर्ग जा भी चुकी है। हनुमान को पूर्णता प्रदान करने से एवं आपके पुण्य कार्यों से आप भी स्वर्ग के अधिकारी हो चुके हैं महाराज केसरी। अतः आप दोनों के लिए उचित यही होगा कि अब आप मोह बंधनों से मुक्त होकर स्वर्ग में सुख से जीवन यापन करने के लिए प्रस्थान करें। देवेश्वर, मैं हनुमान के बिना स्वर्ग तो क्या कहीं भी नहीं रह पाऊं, और हनुमान भी नहीं रह पाएगा मेरे बिना। यही तो वो मोह की बेड़ियां हैं, जिन्हें यदि अभी नहीं तोड़ा गया कदाचित ये इतनी सुदृढ़ हो जाएंगी कि जीवन भर ना टूट सके। इससे हनुमान के जीवन का उद्देश्य अपूर्ण रह जाएगा। अतः आपको स्वयं को प्रबल बनाकर जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना होगा। ये कैसे हो सकता है प्रभु? एक और तो हनुमान गंगा जी को यहाँ लेकर आने के कठिन कार्य को करने गया है, दूसरी ओर ऋषि अंगिरस भी अनशन व्रत पर बैठे हैं। कुछ अनिष्ट हुआ तो कौन संभाल पाएगा मेरे पुत्र को? उसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हनुमान अवश्य सफल होगा, और जो भी होगा नियति के अनुसार ही होगा। उसी प्रकार पुत्र से विक्षोभ अभी तक के समस्त सुखों को बहा ले जाएगा और पीछे छोड़ जाएगा एक उदास और शून्य सा जीवन। परंतु देवी, यदि ये अभी हनुमान को छोड़कर नहीं गए तो आगे जो होने वाला है उसके पश्चात तो ये जा ही नहीं पाएंगे। क्या होने वाला है मेरे लाल को बताइए ना परमपिता, कुछ अनिष्ट होने वाला है क्या मेरे हनुमान के साथ? शापित होने वाला है हनुमान, शापित होने वाला है हनुमान, शापित होने वाला है, 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 शापित होने वाला है। शापित होने वाला है, शापित होने वाला है, शापित होने वाला है, शापित होने वाला है।
किंतु क्यों? कैसे श्रापित होगा मेरा हनुमान? क्या वो गंगा मैया को लाने में असफल हो जाएगा? देवी अंजना, ये सब तो नियति की क्रीड़ा है। जो होना है उसे कोई नहीं रोक सकता। अतः आप चिंता छोड़कर पुत्र मोह का त्याग कीजिए। मेरे पुत्र को श्राप मिलने वाला है, उसका अनिष्ट होने वाला है, और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं उसे एकाकी छोड़ दूं? विपदा में तो एकमात्र सहायक होते हैं उसके माता पिता, और आप कह रहे हैं कि मैं उसका वो संबल भी छीन लूं। स्वर्ण जितना तपता है उतनी ही उसकी चमक बढ़ती है, और फिर हम हैं ना हनुमान की देखभाल के लिए।